उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। 1932 में उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानीय सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहाँ हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहाँ पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया अंग्रेजों।